नमस्कार दर्शक मित्रों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। तीन अलग अलग एग्जांपल के माध्यम से हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर तक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत एक पहेली के साथ हम करते हैं। मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि आपको पृथ्वी से चंद्रमा तक चल के जाना है, और यहाँ पे हमने एक काल्पनिक सीढ़ी लगा के रखी है, और आपको एक शर्त है इस प्रकार से चल के जाना है कि आप पहले दिन एक कदम लेंगे, दूसरे दिन आप पिछले दिन से दो गुना, मतलब दूसरे दिन आप दो कदम लेंगे, तीसरे दिन पिछले दिन से दो गुना, मतलब आप तीसरे दिन चार कदम लेंगे, और इस प्रकार से आपको पृथ्वी से चंद्रमा तक काल्पनिक सीढ़ी के माध्यम से चल के जाना है, तो कितने समय में आप ये सफर तय कर पाएंगे? और इसका जवाब ना तो 2 साल है, ना तो 20 साल है, सिर्फ 31 दिन में आप पृथ्वी से चंद्रमा तक इस काल्पनिक सीढ़ी के माध्यम से पहुंच जाएंगे। पृथ्वी से चंद्रमा तक का अंतर तकरीबन 6.5 लाख किलोमीटर का है, बट आप अगर इस प्रकार से चलेंगे तो वहां पे आप सिर्फ 31 दिन में ही पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंच जाएंगे। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और लंबे अवधि में आपके वेल्थ क्रिएशन में पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। तो इसे आप समझिए, और अगर आप इसको ठीक से समझ पाए तो लंबे अवधि में आप बहुत ही बड़ी वेल्थ बना के जा सकते हैं। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किस प्रकार से किसी कंपनी में, किसी शेयर में 20x का रिटर्न बनता है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो वहां पे आपको 20x रिटर्न मिलने में क्या क्या लगता है, उसको हम कुछ डेटा के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक शेयर का भाव है 100 रुपए, और ये शेयर 100 रुपए से 2100 रुपए की जर्नी तय करता है, और इस जर्नी में कितना समय लगता है, कितना प्रतिशत का मूल लगता है हर एक पड़ाव में, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो 100 रुपए से 200 रुपए, मतलब पहला जो आपका 100% बनता है उसको बनने में डेफिनेटली 100% का ही आपको परसेंटेज मूल लगेगा। उसके बाद आपका 200 रुपए से 300 रुपए, मतलब आपका जो दूसरा 100% का रिटर्न है उसको सिर्फ आपको 50% के रिटर्न में आपको बन जाएगा। 200 से 300 रुपए का जो आपका मूव आता है वहां पे आपका सिर्फ 50% से मूव होता है, तो आपका 200% का रिटर्न बन जाएगा। 300 से 400 रुपए का जो मूव है वो 33% में तय हो जाएगा, और वहां पे आपका 300% का रिटर्न बनेगा। और जैसे जैसे आपका बेस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका शेयर का प्राइस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे छोटे प्रतिशत मूव में ही आपका 100% का आपका टोटल कैपिटल बढ़ता जाएगा। 2000 से 2100 सिर्फ 5% के मूव में आपका बन जाएगा, तो एक 5% के मूव में ही आपको 2000 से 2100 मतलब और भी 100% मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ही शेयर में आपकी बड़ी वेल्थ बनती है। जितने लंबे अवधि के लिए अगर आप किसी कंपनी के साथ बने रहे वैसे ही वो कंपनी ग्रो करेगी, बिजनेस ग्रो करेगा, शेयर ग्रो करेगा, और वहां पे आपकी वेल्थ भी मल्टीप्लाई होगी, धीरे धीरे मल्टीप्लाई होगी। और जितने लंबे अवधि तक आप कंपनी के साथ बने रहेंगे उतने लंबे अवधि में आपको कंपनी बहुत ही बड़ी वेल्थ बना के दे सकती है। हमने मार्केट में कई सारे ऐसे एग्जांपल देखे हैं, इंफोसिस, विप्रो, एशियन पेंट्स, हैवेल्स, इन सारी कंपनी ने पिछले 20 सालों में मल्टीफोल्ड रिटर्न बना के दिया है। इनिशियली जब आप निवेश करते हैं तो वहां पे आपको कम रिटर्न दिखता है, बट जैसे जैसे आपका निवेश बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपका रिटर्न बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपकी वेल्थ क्रिएशन बहुत ही फास्ट होने लग जाती है। तो लंबे अवधि का ही प्रोडक्ट है इक्विटी मार्केट, और वहां पे आप अगर लंबे अवधि में बने रहें तो आपको बहुत ही बड़ी वेल्थ मिल सकती है। सिमिलर हम म्यूचुअल फंड को भी समझने की कोशिश करते हैं। SIP के माध्यम से कैसे बड़ी वेल्थ बन सकती है, और उसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितना बड़ा इंपैक्ट ला सकता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आप अगर 10,000 रुपए की SIP करते हैं 5 साल के लिए, और यहाँ पे हमने 12% का अनुमानित रिटर्न माना है, तो 5 साल में आपको 10,000 रुपए की SIP तकरीबन 8.2 लाख का रिटर्न बना के देगी। और उस 5 साल को अगर आप एक्सटेंड करते हैं 10 साल तक, तो 8.2 लाख का रिटर्न आपको 10 साल में अगर आप देखें तो 23 लाख का बन जाता है। तो 5 से 10 साल और 5 साल आपने अपने SIP में ऐड की, और आपका रिटर्न 8 लाख से 23 लाख हो गया। सिमिलर रेट अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं 10 साल से 15 साल, तो 10 साल से 15 साल 5 साल के सफर में आपकी SIP जैसे कि आप देख रहे हैं 23 लाख से 50 लाख का आपका वेल्थ बन जाता है। अगर आप SIP और भी कंटिन्यू करते हैं 25 साल तक, तो आपकी वेल्थ बन जाती है 1.9 करोड़ की। आपने जैसे देखा 15 साल से 25 साल, 10 साल के डिफरेंस में आपका तकरीबन
1.5 करोड़ का डिफरेंस आ जाता है वेल्थ क्रिएशन में। उसको भी अगर आप कंटिन्यू करते हैं 30 साल तक, तो 1.9 करोड़ की जो आपकी वेल्थ थी वो और भी डबल हो जाती है 3.5 करोड़ की। और भी 5 साल आप कंटिन्यू करते हैं 30 साल से 35 साल, तो वहां पे आपका वेल्थ 3.5 करोड़ से 6.5 करोड़ बन जाता है। तो सिर्फ आखिर के आपके 5 साल के डिफरेंस में 3 करोड़ का आपका वेल्थ का डिफरेंस बनता है। तो लंबे अवधि में SIP आपको बहुत ही बड़ी वेल्थ बना के दे सकती है। जनरली हमने देखा है कई सारे इन्वेस्टर SIP तो शुरू कर देते हैं, बट वो 3-4 साल में ही अपनी SIP को बंद कर देते हैं, क्योंकि वो इसको समझ नहीं पाए हैं। MFI का डेटा है, नॉर्मल SIP प्रीमैच्योरली क्लोज हो जाती है। तकरीबन 30% इन्वेस्टर अपनी SIP को 3-4 साल में ही बंद कर देते हैं, और वहां पे वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट ही नहीं देख पाते हैं। तो अगर आप SIP कर रहे हैं तो उसको आप लंबे अवधि के लिए जरूर कंटिन्यू कीजिए, और आपको SIP लंबे अवधि में बेहतरीन वेल्थ बना के देगी। इसके साथ साथ मित्रों, आपको SIP के साथ एक एडिशनल फीचर मिलता है जिसका बेनिफिट भी आपको जरूर लेना चाहिए, और इसे हम कहते हैं टॉपअप SIP। और टॉपअप SIP भी आपके वेल्थ क्रिएशन में एक बहुत ही बड़ी इम्पैक्ट ला सकती है। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए आप 10,000 रुपए की SIP करते हैं, और वहां पे आप 4% का टॉपअप लेते हैं। जनरली अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन का डर भी तकरीबन 4% है, तो आपको SIP को भी 4% का टॉपअप जरूर देना चाहिए। और जनरली लोगों को कंटिन्यूअसली ईयरली बेसिस पे इंक्रीमेंट भी मिलता रहता है अपने सैलरी में, अगर कोई जॉब कर रहा है तो वहां पे आप 4% की टॉपअप जरूर लीजिए। और अगर आप देखें तो सिर्फ आप 4% का एनुअल इंक्रीमेंट लेते हैं अपने SIP के इन्वेस्टमेंट में, और हम यहां पे 12 साल का एक्सपेक्टेड रिटर्न मान के 25 साल की SIP के रिटर्न को समझने की कोशिश करते हैं कि टॉपअप SIP कैसे नॉर्मल SIP के सामने आपको बहुत ही बड़ी वेल्थ बना के दे सकती है। तो यहाँ पे अगर आप 10,000 रुपए की SIP नॉर्मली करते हैं तो आप 25 साल में 30 लाख का निवेश करेंगे, और अगर आप टॉपअप के साथ करते हैं तो 25 साल में तकरीबन आप 50 लाख जितना निवेश करेंगे, और नॉर्मल SIP में आपकी वैल्यू बन रही है तकरीबन 1.9 करोड़ की, और अगर आप टॉपअप SIP लेते हैं तो वहां पे आपकी वैल्यू बन रही है तकरीबन 2.5 करोड़ की। तो आप सिर्फ 4% का टॉपअप लेके आपके वेल्थ में तकरीबन 62 लाख का बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। तो अगर आप आने वाले समय में SIP कर रहे हैं तो वहां पे आप टॉपअप SIP को जरूर कंसिडर कीजिए, और लंबे अवधि में टॉपअप SIP आपको एक बहुत ही बड़ी वेल्थ बना के दे सकती है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज 8 वंडर ऑफ वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न इट, ही हु डजंट अंडरस्टैंड इट पे इट। कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर आप ठीक से समझ पाए तो आपके लिए वो बहुत ही बड़ी वेल्थ बना के दे सकता है। तो इसे आप समझिए और इम्प्लीमेंट भी जरूर कीजिए, अभी से ही निवेश करना स्टार्ट कीजिए। जितनी जल्दी आप निवेश करेंगे उतना ही आपको समय मिलेगा और उतना ही आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई होगी। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को समझे, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर मार्केट में बहुत ही जल्दी निवेश करना स्टार्ट करें। जैसे ही यंग इन्वेस्टर निवेश करते हैं तो उनके लिए बहुत ही बड़ा टाइम है, वहां पे वो बहुत ही बड़ी वेल्थ बना के जा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यंग इन्वेस्टर तक पहुंचाइए ताकि वो बहुत ही जल्दी अपना निवेश स्टार्ट कर दे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर